बस 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 सर साइड सर साइड सर थोड़ा आगे करेगा। ये हमारी तो ये हमारी वर्टिकल शाफ्ट है जो वेंटिलेशन के लिए यूज होगी। यहाँ ऊपर से इसको रेल करते हुए आएंगे 480 मिलीमीटर करेंगे, उसके बाद ये कनेक्शन बनेगा जिसको कैबिन कहते हैं। जैसे वो कैबिन ऐसे कनेक्ट करते तो ऐसे भी टॉप कैमरा कितना भी देखिएगा कैमरा कितना सर ग्रेट गिफ्ट ऑफ फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। मैडम पीछे 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 रहो, आगे मत जाओ कैमरे लगे। नहीं सर जरा भाई आगे मत जाओ, मैं थोड़ा डिस्टेंस प्लीज सर प्लीज सर। हम लोग इधर पूरे इलेक्ट्रिकल बस यूज़ कर रहे हैं, आप देखा देखा। और मैंने कल एलजी साहब को कहा कि जम्मू में पूरा इलेक्ट्रिकल बस पूरा इलेक्ट्रिकल बस यूज़ कर रहे हैं। हमारा साइड को जाके दिखा जरा हमारा। मैडम को मैडम सर सर साइड 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 मोबाइल नीचे ऊपर में गिरेगा तो नहीं पूरा पूरा सीमेंट मार ले 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 मेरे राज्य मंत्री है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे आर्मी चीफ होने के नाते इस क्षेत्र से बहुत अच्छे तरीके से परिचित है और उनका लगातार इस काम में मार्गदर्शन मिलता है। बाद में अरुण मेहता हमारी चीफ सेक्रेटरी है, नुजरत इश्ताक ये हमारे जिला पंचायत की चेयरमैन है, विजय चल रहा है। और मुझे लगता है कि 23 दिसंबर तक मैंने उनको कहा है, वैसे इनकी मुदत आगे है बहुत, पर इनको चैलेंज दिया है कि 23 दिसंबर तक हम 26 जनवरी के पहले इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा करें तो 23 दिसंबर एंड तक इस काम को पूरा करने की टास्क जिनको दिए वो मेगा इंजीनियरिंग के कृष्णा रेड्डी जो ये काम कर रहे हैं वो भी यहाँ उपस्थित है। उनको भी मैंने ऊपर बुलाया क्योंकि जो मेहनत करके रात दिन काम कर रहे हैं उनके इंजीनियर्स और सहकारीगण, सबसे पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। 2014 में ये मशीन क्या बज रही है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा।